नई वीडियो में आपका स्वागत है। अभी मैं यहाँ राधनपुर में हूँ और ये मेरा होटल का रूम है जहाँ मैं रुका हुआ हूँ। ये डबल बेड है और ये सब सामान यहाँ पर, और ये अटैच वॉशरूम है यहाँ, और ये पूरा हिसाब किताब। ये 500 रुपये मुझे रूम मिला है। यदि आप राधनपुर की तरफ आते हैं और आपको रुकना होती है, हाईवे के ऊपर ही है। मैं आपको इधर खिड़की से दिखाऊं तो ये सामने हाईवे है, देखिए आप, और ये हाईवे के ऊपर ही राधनपुर का ये होटल जहाँ मैं रुका हुआ हूँ सिर्फ 500 रुपये में। आइए इस वीडियो में आज हम बात करते हैं, राधनपुर को देखते हैं, राधनपुर सिटी को देखते हैं। आप भी मेरे साथ इस पूरे वीडियो को एंजॉय करें। आइए शुरू करते हैं। होटल सहयोग रूम्स भी है यहाँ पर। ये मेरा होटल है जहाँ पे मैं रुका हुआ हूँ, इधर इसी में। आइए सिटी की तरफ चलते हैं। और अभी भाई के साथ हम बैठ गए हैं ऑटो में, जो हमें बस स्टैंड तक लेके जाएंगे। यहाँ से 10 रुपये में बस स्टैंड तक जाएंगे ये, और फिर वहाँ से आगे सिटी में चलते हैं। ये पूरा बस स्टैंड का रास्ता। कितना दूर होगा यहाँ से बस स्टैंड? 1 किलोमीटर है। 1 किलोमीटर यहाँ से बस स्टैंड है। और ये सामने हॉस्पिटल आ गया, अभी सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल दो थोड़ा सा दिखाई दे रहा है। और ये हॉस्पिटल का और बस स्टैंड का एरिया आ गया, तो भाई हमें यहाँ उतार देंगे। क्या बताया, बाजू में तालुका पंचायत भी है बाजू में, उधर ही हॉस्पिटल के बाजू में। और ये पूरा बस स्टैंड यहाँ का, इसके पीछे बस स्टैंड भी है। और ये राधनपुर का बस स्टैंड। और अभी भाई ने इधर हमें, ऑटो वाले ने उतार दिया था। और ये अंदर मार्केट है पूरा। आइए चलते हैं अंदर। और ये दस्तरी में चाय भाई से हमने ले ली है। ये बस स्टैंड के बाहर ही सामने ही। आइए और आगे चलते हैं मार्केट की तरफ। इधर पूरा मार्केट है। अभी इधर मार्केट से चल के आए हैं। और ये सामने भी, इस गली में भी मार्केट है। और हम इधर आगे और चलते हैं। और ये यहाँ का राधनपुर का पोस्ट ऑफिस। इधर और आगे मार्केट चलते हैं। आइए। और ये यहाँ का स्कूल है, काफ़ी बड़ा बना रखा है, नया लगता है। ये देखिए यहाँ तक है। अभी इधर से चल के आए हैं। आइए और आगे चलते हैं इधर। और ये यहाँ पर पुस्तकालय है। ये इधर स्कूल था और ये उसके पास में ही ये पुस्तकालय है। आइए और बाज़ार के अंदर चलते हैं। और ये एक बड़ा सा गेट यहाँ बना रखा है, पाटनी गेट। ये देखिए काफ़ी बड़ा, अंदर एक स्टेचू मूर्ति बना रखी है। और काफ़ी सजावट, काफ़ी बड़ा गेट पाटनी गेट। इसके अंदर पूरा मार्केट है। और ये इसके आसपास का मार्केट। इधर से चल के आए। ये भाई से हमने अभी ये क्या बोलते हैं इसको, आलू बुखारा, चीकू ले लिया है भाई से। चलो आगे चलते हैं मार्केट की तरफ। और ये अभी गेट के इस साइड में आ गए हैं चल के। आगे ये पूरा मार्केट, लेकिन मार्केट आज बंद है क्योंकि संडे है। आइए थोड़ा अंदर चलते हैं। और ये राजा का किला, बलोच राजा थे। राजा का नाम क्या बताया, जलालुद्दीन खान। ये भाई हैं, ये बता रहे हैं यहाँ के, जलालुद्दीन खान भावी। उनका जब राज था तो ये उनका दरबार होता था, ये उनका किला है। और अभी उनके किसी परिवार के रिलेटिव के पास ये प्रॉपर्टी अभी है। और यहाँ का जो नाम है, इस टाउन का नाम किस राजा पे आया था, राधन खान जो थे उनके नाम से ये
टाउन का नाम राधनपुर पड़ा हुआ है। राधन खान भी यहाँ के राजा थे, लेकिन वो उससे पहले के थे, वो बलोच थे ना। राधन खान बलोच थे। वो इस राजा से, ये जो जिनका गढ़ है ये, उससे पहले के वो नवाब थे, राजा थे यहाँ के, उनके नाम पे ये राधनपुर इस शहर का नाम पड़ा हुआ है। और ये यहाँ का पूरा हिसाब किताब देखिए आप, काफ़ी ऐतिहासिक, काफ़ी पुराना ये टाउन है राधनपुर। और ये यहाँ के राजा का दरबार, आइए और आगे चलते हैं। और ये यहाँ पर काफ़ी पुराना एक बड़ा सा महल नुमा, जो काफ़ी अभी खंडर सा हो चुका है, काफ़ी पुराना है। और बाहर ताला लगा हुआ है, ये पूरा हिसाब किताब, आइए और आगे चलते हैं। वाकई ये शहर बहुत पुराना है, ये देखिए आप, काफ़ी पुरानी पुरानी बिल्डिंगें यहाँ देखने को मिल रही हैं। ये देखिए दोनों तरफ यही ऐसे ये बिल्डिंग है, आप देखेंगे तो लकड़ी का बना हुआ। देखिए आजकल ये सब चीज़ें नहीं होती हैं। और ये सामने काफ़ी खंडर हो चुका है, आइए और आगे चलते हैं। ये देखिए आप, पूरा लकड़ी का बना हुआ बहुत बड़ा दरवाज़ा, ऊपर भी लकड़ी। और ये यहाँ कुछ बोर्ड लगा हुआ है, महादेव मंदिर है शायद इधर अंदर। और ये अंदर भी बना हुआ है, आप देखेंगे तो काफ़ी पुराना ये इसी रोड के ऊपर जिसमें हम चल के आए हैं। ये चीज़ें मैं आपको बयान नहीं कर सकता, यदि आपका इंटरेस्ट है तो ज़रूर आके ऐसी चीज़ों को देखने में, यदि आप इंटरेस्ट रखते हैं तो ज़रूर आना चाहिए। और इन चीज़ों को आपको देख के बहुत ही अच्छा लगने वाला है, आइए और आगे चलते हैं। अभी इधर से मैं चल के आया हूँ सामने से, और यहाँ ये एक चौक हो गया, इधर भी पूरा मार्केट, और सबका सब पुराना, कुछ भी नया नहीं है, सबका सब पुराना। बड़े बड़े जो है घर नुमा, छोटे घर, सब पुराने पुराने, आपको दुकानें सब पुरानी पुरानी यहाँ देखने को मिल जाती हैं। आइए इधर और आगे चलते हैं। ये देखिए ये कुछ यहाँ बना रखा है। तो इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं, बहुत ही शानदार सिटी, अद्भुत, बहुत ही अच्छा नज़ारा मेरे को देखने को मिला यहाँ पर। आपको कैसा लगा अपना कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक आप अपना और अपनों का ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।